Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. Meri yaadon ko bhi bhula diya, hamdam mere tune kya kiya? हाँ वरदा, डॉक्टर हमारा से अपॉइंटमेंट मिल गया, कल तुम लोग चले जाना। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाज दफा उनका अपॉइंटमेंट मिलते मिलते महीने लग जाते हैं। शट अप वरदा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों अपनी कमजोरियों का इस्तेहार हर जगह लगाना चाहती हो तुम? वरदा मेरी बीवी है और उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर डॉक्टर से रابطे में हूँ। जरूरत पड़ेगी तो उसे बाहर भी ले जाऊंगा, सो प्लीज आप अपने काम से काम रखिए। क्या बात है, तुम बड़ी तारीफें करती हो उसकी हालत। जब मैंने तुम्हें कहा कि उसकी नीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? किस चीज पर नीयत है उनकी? मेरी दौलत पर और तुम पर। हारिस, किस तरह आगे पीछे फिरता रहता है तुम्हारे, हर वक्त तुम्हारी साइड लेता रहता है। क्या आप एमन से शादी करेंगे? मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे बात करने का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बस शादी कर लें जल्दी से। ये तुम्हें यकायक मेरी शादी में क्या दिलचस्पी होगी? क्योंकि जो बिगड़ रहा है वो सिर्फ आपकी शादी ही बचा सकती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मेरी बेटियों के लिए इतने अच्छे रिश्ते दिए। ये क्या है, आप दोनों ने मुझसे तो पूछा नहीं कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ कि नहीं। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है इस रिश्ते से? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे दो दिन चाहिए सोचने के, फिर बुला लेना। हाँ वरदा जी, मैंने अम्मी को बताया था और वो सुन के तो बहुत खुश हो गई, कह रही थी कि आप जल्दी आ जाए अपनी अम्मी को लेके यहाँ। क्या बात है, आप खुश नहीं है? नहीं, खुश हूँ, ऐमन अच्छी लड़की है। आपने कहीं मेरे जोर देने की वजह से तो हाँ नहीं कही ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी को एक दिन की कहानी थोड़ी है, उम्र भर का किस्सा है, कोई किसी के कहने पे थोड़ी कर सकता है ना। मैं भी यही सोच रही थी। बस सोचा मत करो, तुम खुश रहा करो। खुश तो मैं बहुत हूँ। मैं भी तुम्हें बस खुशी देखना चाहता हूँ। हारिस को बता दिया तुमने? अभी तो नहीं बताया, सुबह ऑफिस आऊंगी तो उन्हें बता दूंगी, लेकिन आप भी प्लीज बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है, कह दूंगा। चलो रखता हूँ फोन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। अगर आपको एतराज ना हो तो हम एमन के घर एमन के लिए जा सकते हैं। एमन कौन? वरदा की बहन? आप और कितनी एमन को जानते हैं? क्यों अचानक तुम्हारे जहन में एमन कैसे आ गया? बस अम्मी, मैं जल्द से जल्द एमन से मंगनी करना चाहता हूँ। सिर्फ मंगनी? जाहिर है, मंगनी करूंगा तो शादी भी करूंगा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम्हारे जहन में अचानक एमन कैसे आ गई। जब मैंने तुम्हें कहा था तो तुमने इनकार कर दिया था। जी अम्मी, लेकिन अब मुझे वरदा का घर बचाना है। ठीक है, मुझे बता देना, मैं कर लूंगा, बातें बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी ऑफिस आई हूँ और सीधा आपके कमरे में आ गई हूँ। खैरियत? हारिस, मैं आज से उसामा के साथ नहीं बैठूंगी बल्कि आपके कमरे में ही बैठा करूंगी। पागल तो नहीं होगी? मेरे कमरे में नहीं बैठ सकती, मुझसे काम नहीं होगा।
मैं डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है, कहीं और बैठ जाऊंगी। क्या जताना चाहती हूँ? कुछ जताना नहीं चाहती मैं, सिर्फ एक बात बतानी थी आपको। क्या? उसामा अपनी अम्मी को लेके रात को हमारे घर आ रहे हैं। उनकी अम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि वो एमन का रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। Very strange. तो तुमने उसे मनवा ही लिया? मैंने मनवा लिया मतलब? बखूबी जानती हो तुम, मैं क्या कह सकता। उनकी अम्मी कह रही थी कि उसामा की अपनी ख्वाहिश है। खैरत, बड़ा छुपा रुस्तम निकला उसामा। अम्मी कह रही थी कि आप रात को आ जाना। देखूंगा, टाइम निकला तो आ जाऊंगा। आप उस घर के दामाद हैं, आपका आना जरूरी है। और फिर आप उसामा के भी तो दोस्त हैं ना। जब आप मेरा रिश्ता लेने के लिए आए थे तो उसामा की फैमिली भी आपके साथ आई थी ना। देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। अब आना ही पड़ा। अब घर पे सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? जैसे सारी औरतें करती हैं। अब इन लोगों की बातें और नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप आएंगे ना? तुम्हें क्या लगा तुमसे कह के नहीं आऊंगा? नहीं, मुझे यकीन है आप पर कि आपको रिश्ते निभाना आते और अपनी बात रखना भी। चलो अच्छा है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। वैसे ईमन कितनी खुश नसीब है ना, उसे आप जैसे साथी मिलेगा। दुआ करना इस ताल्लुक को निभा सकूं, वरना तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी। मुझे अगर मैं उसे खुश ना रख सका तो तुम शिकवा करोगी ना? तुम्हारी वजह से तो रिश्ता हो रहा है। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। ये मन आपके साथ बहुत खुश रहेगी। अल्लाह करे। नजर हारे से मिल। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सुना है शादी कर रहे हैं आप? क्यों, मेरा भी हक है शादी करने का? नहीं नहीं, बिल्कुल हक है शादी का, क्यों नहीं। तो नजरें इंतखाब हमारी साली पर जाके ठहरी। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा। तुमने पहले कभी एमन में दिलचस्पी जाहिर नहीं की? अच्छी लगती है मुझे एमन, बस बताने में थोड़ी देर कर दी। तुम्हारी तरह जल्दबाज नहीं हो ना। मैं कहां जल्दबाज था यार, वो तो दादो मम्मी डैडी की जल्दबाजी थी। ठीक किया उन्होंने बस। कम से कम वर्दा की वजह से घर पे टिक कर तो बैठे हो। टॉन्ट कर रहे हो? मैं टॉन्ट क्यों करूंगा। अच्छा ये बताओ, रात को आ रहे हो ना तुम वर्दा की तरफ? वर्दा नहीं, एमन की तरफ। एक ही बात है? एक बात नहीं, तुम्हारा हवाला तो उस घर में अब एमन है, तो बेहतर होगा कि तुम उसके हवाले से बात करो। ठीक कह रहे हो। तो तुम पहले हमारी तरफ आओगे या डायरेक्ट वहीं आओगे? तुम शायद भूल रहे हो कि वो मेरा ससुराल भी है, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। क्या बात है, तुम इस शादी से खुश नहीं लग रहे? मैं क्यों खुश नहीं हूं यार,
अगर मैं राजी ना होता तो कोई मजबूर कर सकता था मुझे? हो सकता है तुम्हें कोई मजबूर कर रहा हो? नहीं नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया मुझे। हाँ वो बात अलग है कि अम्मी की ख्वाहिश और खुशी को कब तक टाल सकता था मैं। शादी तो करनी थी, एमन अच्छी लड़की है, पसंद है मुझे। ओके दैट्स ग्रेट, चलो देन आई विल सी यू। ओके शाम को मिलते हैं। एमन ये क्या कर रही हो तुम? अब तक सफाई कर रही हो, वो लोग आने वाले में जाओ जाके तैयार हो। इसका मतलब है तुम लोग मुझे जरा सा भी मौका नहीं दोगे सोचने का। एमन तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सामा को जानती नहीं हो क्या? इतना अच्छा रिश्ता है, तुम्हें क्या सोचना है अब? हाँ मगर उस तरह से जानना अलग होता है। एक दफा रिश्ता तय हो जाए मिल लेना, आराम से बात कर लेना, फिर तो कोई फायदा नहीं है। चुप हो जाओ एमन, बस करो, जाओ जाके तैयार। नहीं प्लीज वर्दा, मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। एमन फिकर नहीं करो, तुम्हें अंगूठी पहनाते ही वो देखना आई लव यू बोल देंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो आई लव यू बोलेंगे? उन्हें मैं बता दूंगी कि मेरी बहन बहुत शक्की है और उसे यकीन दिलाना बहुत जरूरी है। किसी और के कहने से मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम कितने नखरे दिखा रही हो एमन, जाओ जाके तैयार हो, देर हो रही है। ये नखरे नहीं दिखा रही बल्कि रहने दो, ये पकड़ जा रही हूं। जल्दी तैयार होकर आओ। क्या सोच रही हो एमन? यही सोच रही हूँ कि सामा ने मुझे अंगूठी क्यों पहनाई? ये कैसा सवाल है? तुमने देखा था जब वो अंगूठी पहना रहे थे, ना ही उनकी आंखों में कोई चमक थी, ना ही चेहरे पे कोई खुशी। एमन तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि शायद वो इस मंगनी से खुश नहीं। जरूरत से ज्यादा हसास होना भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है मन। जो नहीं भी होता ना इंसान वो भी सोचने लगता है। मैं गलत नहीं सोच रही, तुम्हें भी पता है शुरू से ही मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ना ही चीजों पे एक्साइटेड होती हूँ और ना ही चीजों को इग्नोर करती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अगर उसामा खुश नहीं होते तो तुमसे मंगनी नहीं करते। पता नहीं उन्होंने सोचा होगा अब शादी तो करनी है ना, तो चलो किसी से भी कर लेता हूँ। इमन तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? सामा मर्द है और मर्द के साथ जबरदस्ती कौन कर सकता है? शायद उनकी अम्मी ने कहा हो। अच्छा परदा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। मैं उसामा से मिलना चाहती हूँ। क्यों, कोई फजूल बात तो नहीं करोगी ना तुम उनसे मिलकर? नहीं कोई फजूल बात नहीं करनी, बस कुछ बातें क्लियर करनी है बस। हेल्प करोगी?
उसामा, क्या आप एमन से मंगनी करके खुश नहीं है? क्यों? उसने कुछ कहा? उसे लगता है कि आपने मंगनी किसी के दबाव में आके की है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच रही। जहां तक बात मेरी खुशी की है, तो खुशी का इजहार करना मेरी फितरत में नहीं है। पर आपको ऐसे करना चाहिए, वरना ईमन तो बदगुमान हो जाएगी ना। और मुझे उसकी बदगुमानी को आज दूर करना होगा। I'm sorry. मैंने आपको इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे भुला नहीं पा रहे हैं। उसे भुलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अच्छा है, कोई लड़की जिंदगी में आएगी तो तकलीफ के इस एहसास से निजात मिल जाएगी। मगर ईमन तो जीते जी मर जाएगी अगर उसे एहसास हुआ कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। मैं उसे महसूस ही नहीं होने दूंगा, उसे यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी को पसंद करता हूँ। हालांकि आप करते नहीं है। करने लगूंगा, आखिर को मंगेतर है मेरी, होने वाली बीवी। Hey guys, चले, 2 बज गए। हाँ चलो। आपने ईमन को बुलवा लिया? हाँ, मैंने ड्राइवर को भेज दिया था, बस वो उसे लेके पहुंचने वाला हूँ। कोई जरूरी बात कर रहे थे तुम दोनों आपस में शायद? नहीं, सामा कह रहे थे कि वो कुछ वक्त ईमन के साथ अकेले में गुजारना चाहते हैं, तो हम दोनों ने कुछ वक्त दे दें। जरूर देंगे, शुक्र है उसामा ने भी कभी ये कहा कि उसे अकेले में किसी से मिलना। क्यों, तुम्हें लग रहा था मैं गवारा मर जाऊं? चल चल let's go। हारिस, मेरा ख्याल है जब तक खाना नहीं आ जाता हम दूसरी टेबल पे चलकर बैठते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ उधर बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो। लेट्स गो वरदा। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस मुझे ये लगता था कि ये रिश्ता जबरदस्ती का है, तो ये आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर ये सच है कि नहीं। देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐसा तो है नहीं। तुम मम्मी को पसंद हो, मुझे ना पसंद नहीं हो, क्या ये काफी है? साफ को होना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन तब तक जब तक किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत सच्चाई से अपनी फीलिंग्स बताई हैं, जो आपका हक है। हाँ सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन झूठ से तो बेहतर। हाँ अगर आप ये कहते कि मैं आपसे मंगनी करना चाहता हूँ और मैंने अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश की, तो शायद मैं यकीन ना करती। तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मुझे आपके सर पे मुसल्लत तो नहीं किया जा रहा ना। मतलब? मतलब ये कि हाँ मैं बाहर से बहुत मजबूत जाहिर होती हूँ, लेकिन मेरा भी दिल है, फीलिंग्स है मेरी। मैं चाहती हूँ मेरी जिससे भी शादी हो वो मुझे चाहे, हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे। और आपको तो पता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है, जब आप इस पे साइन कर दो फिर आप पूरी जिंदगी एक साथ होते हो, तो अगर खत्म होना। मैं रिश्तों को निभाने वाला आदमी हूँ, तो मैं मायूसी नहीं हूँ। हाँ लेकिन अगर आप खुशी से नहीं निभाएंगे तो मायूसी होगी। अभी भी वक्त है, सिर्फ मंगनी हुई है। अगर आपके दिल में गुंजाइश नहीं है तो हम ये रिश्ता। बहुत ज्यादा मत सोचा करो, बहुत ज्यादा सोचने से जहन जो है वो गलत सिमत में चला जाता है।
सोच ही रही थी, बस जो महसूस हुआ आपसे शेयर कर लिया। नहीं, सारे बुरे ख्यालात जहन से निकाल, मैं खुश हूं। चले फिर आपकी बात मान लेते हैं। काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है दोनों की। अच्छी बात है ना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एमन का तो पता नहीं, लेकिन उसामा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये इतनी जल्दी फ्री होने वाला है नहीं एमन के साथ। ऐसे लग रहा है खुश नहीं है उसामा। क्यों खुश नहीं? बहुत खुश है। अच्छा, हाँ तुम्हें तो पता होगा, बहुत ज्यादा बातें शेयर करता है ना अपने दिल की तुमसे। अच्छा, तो फिर आज आप मुझे बता ही दे कि इस बात का आखिर मतलब क्या है। अरे कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। चलो चलते, मुझे बहुत भूख लगी है, उनके पास चलकर बैठते हैं। आओ। जी, क्या नतीजा निकला आप दोनों की मीटिंग का? नतीजा ये निकला कि हम दोनों खुश हैं। रियली? क्यों एमन? ऐसा ही लग रहा है। वैसे शुक्र है एमन और सामा की अंडरस्टैंडिंग तो हुई। तुम बड़ा इंसिस्ट कर रही हो कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्यों नहीं हो? इन दोनों की शादी होने वाली है। सामा इतने संजीदा मिजाज के हैं और एमन वो कितना रिजर्व रहती है। अच्छा है ना शादी से पहले दोनों की कुछ मुलाकातें हो जाएं। जबरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं रहते। क्या मतलब है आपका इस बात से? कहने का मकसद ये है कि तुमने उसामा को कन्विंस तो कर लिया है इस रिश्ते के लिए, लेकिन पता नहीं वो निभा कर पाता है या नहीं। क्यों नहीं निभा पाएंगे? सामा इतने अच्छे हैं और मेरी बहन, उसमें कोई कमी थोड़ी है। खैर ऐसे तो ना कहो, ये तो शादी के बाद पता चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर तो देखने में हेमंत बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन क्या पता उसमें भी वही कमी हो जो। हारिस प्लीज। अरे बाबा तुम ऐसे माइंड कर रही। जरूरी नहीं है जो कमी मुझ में मेरी बहन में भी होगी। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कैसा हो, मैं तो ऐसी बाय द वे एक बात कर रहा हूँ। आप बस दुआ करें कि उन दोनों की जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। सॉरी, ये दुआएं पहले मैं अपने लिए तो कर लूं ताकि मेरी जिंदगी में जो कमियां हैं वो तो सही हो जाए। दूसरों के लिए दुआ करना बहुत अच्छी बात होती है हारिस। अच्छा यार, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, तुम जाओ सो जाओ जाके, मुझे काम करना है। मैं रो रहा हूं, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से कर रहा हूं। क्या दे सकूंगा उस लड़की को मैं जो मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या नए अरमान लेकर आएगी। इससे पहले कि मेरे साथ एमन की जिंदगी भी आसान बन जाए मैं इनकार कर दूंगा। सोच क्या रही हो? नाश्ता करें, सब ठंडा हो रहा है। ये लोग मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे हैं, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। बस मैंने सोच लिया है कि आज मैं खुद वरदा को किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। अम्मा
अम्मा आपको पता भी है कि हर्ष बार बार जिक्र से चिढ़ता है। वो कह रहा है ना कि अरे क्या खाक कह रहा है, ना वो रिपोर्टें किसी को दिखाई उसने, ना किसी डॉक्टर के पास उसको बच्ची को लेकर गया है। ये किस किस्म का इलाज हो रहा है? अम्मा थोड़ा सब्र तो करें। देखो भाई मुझसे अब सब्र वबर नहीं हो रहा, दोनों आते हैं तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वरदा आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों दादी, क्यों नहीं जाएगी ऑफिस? तुम तो लेके जा नहीं रहे हो, मैं आज इसको बहुत अच्छी लेजी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। सुबह सुबह शुरू हो गई आप, मूड खराब कर रही है ना सुबह सुबह। अरे सुबह मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने यही तो कहा है कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। जब मैं आपसे कह रहा हूँ दिखा दूंगा डॉक्टर को तो क्यों जिद कर रही है आप? हारिस बिहेव योरसेल्फ, बड़ों से बात करने की तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरी कोई सुनता ही नहीं है इस घर में, हर कोई अपनी चलाता है यहाँ पर। मैं वरदा के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा हुआ। मुझसे ज्यादा परेशान है आप सब लोग। बताइए क्या करी यहां पे बैठी, ऑफिस नहीं जाना तुम? किसी को सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए, हर चीज में हर बात में उनकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है। उनको लगता है कि पूरा घर बस उनके इशारों पे चले। आपने अच्छा नहीं किया हारिस, आपको उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बड़ी है आपकी। बड़ी है तो बड़ी बन के दिखाए ना, बच्चों की तरह जिद क्यों करती रहती? जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मैं साथ लेके चला जाऊंगा, इतनी सी बात उनको समझ नहीं आ रही है। हारिस इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उनका अरमान है कि वो आपके बच्चे देखे। अरमान उन्हीं का अरमान है, सिर्फ मेरा अरमान नहीं है कि मेरे घर में औलाद हो। हारिस रुकावट मैं हूँ, मैं ये नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो। आप दूसरी शादी कर लीजिए। What? Just shut up, वरदा। मैं आगे बहुत परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान करो ऊपर से। हारिस कमी मुझ में है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। अगर अल्लाह मियाँ ने औलाद देनी होगी तो तुम्हें ही दे देगा औलाद। और देखो प्लीज अब ये बात दोबारा मत करो, प्लीज अब कोई और बात करो। ओके अम्मा, हारिस की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अम्मा प्लीज, वो पहले ही उलझा हुआ है, बहुत परेशान है, वरना कभी उसने आपसे इस तरह बात नहीं की। और देखें ना, आप तो खुद उससे इतना प्यार करती हैं, आज तक आपने हमें भी एक लफ्ज़ नहीं कहने दिया उसे। अच्छा देखो, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने बेटे को समझा दो कि अपनी बीवी की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, और मेरी बात बहुत खोल के सुन। अगर वो इस घर को वारिस नहीं दे सकती तो बेशक वो अपने घर चली जाए। बस कह दिया। वालेकुम सलाम। वरदा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। आप कहें मैं सुन रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं भुला सकता। फिर मुझे किसी और लड़की की जिंदगी को इम्तिहान में डालने का कोई हक नहीं। मैं बहुत शर्मिंदगी से ये कह रहा हूँ कि
मैं हेमंत से शादी नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? वरदा प्लीज मेरे साथ साथ हेमंत की जिंदगी को इम्तिहान में मत डालो। मैं उसे क्या सुकून दे पाऊंगा? चंद दिनों में मेरा रवैया देख के समझ जाएगी, थक जाएगी वो भी झूठ बोल बोल के मेरी तरह। सामा ऐसा नहीं करे, जिस मोहब्बत ने आपको हमेशा गम दिया आप उससे अपनी जान छुड़ाएं, भूल जाएं उसे। बहुत कोशिश की मैंने लेकिन मैं इसके आगे भी बस। देखिए ईमन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हमदर्द, फोना आपको इस तकलीफ से निकाल देगी। तुम मेरी मोहब्बत को तकलीफ का नाम दे रही हो? हाँ, जिसने हमेशा आपको परेशान किया है, जिस मोहब्बत ने हमेशा आपको गम दिया, वो किसी तकलीफ से कम नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो वरदा? तुम्हारी बहन एक ऐसे शख्स के साथ रहे जो खुद अपने इख्तियार में नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, कोई भी जख्म उम्र भर के लिए नहीं होता, बस कोई मरहम रखने वाला होना चाहिए। फिर बाद में मुझसे गिला मत करना कि मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे यकीन है आप पर, आप किसी इंसान के साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते, तो फिर आप हेमंत के साथ क्यों करेंगे? कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरदा, मसरूफ तो नहीं थी? नहीं एमन, बोलो। नहीं बस ऐसे ही कॉल की। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? इस हफ्ते क्लासेस नहीं है। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है ना, एंजॉय करो घर पे। क्या एंजॉय करूं, इतना बोर हो रही हूँ। हिना भी आई थी लेकिन वो भी चली गई, उसके कजन उसे ले गए। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास। मैं यहाँ आके क्या करूँगी? वैसे ही मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं। हमारा हाथ बताओगी या चलो हमसे मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी? मसलन किससे? तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। I'm sorry, लेकिन मुझे उनसे मुलाकात करने का कोई शौक नहीं है। क्यों? क्या वरदा, जब वो ही कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ उनसे। नहीं प्लीज रुको, आप हेमंत से बात करेंगे? उसने कहा है बात करने के? आप इतने बोर हैं कि मैंने सोचा आप दोनों की आपस में बात करवा दूँ। तुम चाहती हो मैं बात करूँ? अगर आप चाहें तो। लाओ तो। हेलो हेलो, तुम्हें शौक हो रहा था, लाइन कट गई। उसे शायद आपकी गैर दिलचस्पी का एहसास हो गया तभी फोन काट दिया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं घर जाके बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। तुम रहने दो, मैं बात करूंगा।
मेरी गलती है, मुझे ही सुधारनी है, मैं कर लूंगा। हारिस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। पिल्ला क्यों नहीं रहा? प्लीज बता, मुझे तंग मत करो, मेरे सर में आगे दर्द हो रहा है बहुत। तो हारिस, आपको घर जाके आराम करना चाहिए था ना, आपने सारा दिन ऑफिस में गुजार दिया। घर ही जा रहा हूँ। आपको सर दर्द की दवाई दे दूंगी, आप सुकून से सो जाएंगे। सुकून? घर में सुकून रहा कब है? अब जैसे ही घर पहुंचूंगा दादो फिर शुरू हो जाएंगी, वही बच्चा 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 की गर्दान। हारिस, मैं इसलिए तो कहती हूँ आपसे कि आप दूसरी शादी कर लें। आपकी बात सुनकर नाराज होने लगा। दूसरी शादी? तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी शादी से सारे मसले हल हो जाएंगे? तुम हर वक्त मुंह बना के बैठी रहोगी और दूसरी बीवी जैसे ही घर आऊंगा शिकायत और शिकवे की पटारी खोल के मेरे सामने बैठ जाएगी। हारिस प्लीज वरदा, अभी तो तुम्हें बताया है कि मेरे सर में दर्द हो रही है, तुमने फिर से वही फजूल बहस शुरू कर दी मेरे साथ। मेरी यादों को भी भुला दिया।